गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रशासन और उसका परिवेश, इकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे शब्दों में प्रशासन की पारिस्थितिकी, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। सिलेबस में आप देखेंगे तो लिखा है प्रशासन की पारिस्थितिकी, उसके सामने डैश करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। इस तरीके से सिलेबस में ये टॉपिक लिखा है, तो उसी टॉपिक की हम आज आपसे यहां बात करेंगे, प्रशासन एवं परिवेश में। तो देखिए, जैसा पीछे भी हमने चर्चा की आपसे, पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच, उस जो ये टॉपिक है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये पूरा टॉपिक उसी पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित है। जहां परिवेश की बात आ रही है, जहां परिस्थिति के अध्ययन की बात आ रही है, वहां स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारी सोच, जो दृष्टिकोण है, वो पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच है। तो एक दृष्टिकोण पारिस्थितिक दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच, और दूसरा दृष्टिकोण इसका बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण होता है, गैर पारिस्थितिक दृष्टिकोण या नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच। पारिस्थितिक दृष्टिकोण की कई बार अब तक हमने चर्चा की है, गैर पारिस्थितिक उसका विपरीत है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण का मतलब हमने देखा है कि प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करना, परिस्थितियां कैसे प्रशासन को प्रभावित करती हैं और कैसे परिस्थितियां प्रशासन से प्रभावित होती हैं। तो हम देखे टू वे एरो बनाते हैं चित्र में। जब भी आप देखेंगे पारिस्थितिक दृष्टिकोण के चित्र में, हमेशा हमने ये टू वे एरो बनाया है, मतलब दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव। परिस्थितियां कैसे प्रशासन को प्रभावित करती हैं और प्रशासन कैसे अपनी परिस्थिति या परिवेश को प्रभावित करता है, इन दोनों के जब पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच की संज्ञा देते हैं। उल्टा कर दीजिए, गैर पारिस्थितिक मतलब जब जो ये पारस्परिक प्रभाव है, इसका अध्ययन हम नहीं करें, हम नहीं देखें कि कैसे सामाजिक आर्थिक परिस्थिति प्रशासन को प्रभावित कर रही है, या कैसे प्रशासन देश की अर्थव्यवस्था, समाज या राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जब हम इनके पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन नहीं करें, तो वो कहलाता है गैर पारिस्थितिक दृष्टिकोण या नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक लोक प्रशासन की जो अप्रोच थी, वो नॉन इकोलॉजिकल या गैर पारिस्थितिक थी। हम प्रशासन के ऊपर परिस्थिति के प्रभाव का अध्ययन नहीं करते थे। शायद हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमने देखा है कि लोक प्रशासन विषय का जन्म और जितना विकास हुआ, वो लगभग सब अमेरिका में हुआ था, या अगर हम अमेरिका के बाहर निकले भी थे तो जर्मनी, ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे विकसित देशों। उस समय डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देशों का अस्तित्व नहीं था। विकसित देशों की समस्याएं, परिस्थितियां लगभग समान थी, 100% सेम तो नहीं हो सकता,
लेकिन फिर भी लगभग समान थी परिस्थितियां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की। हमें उन परिस्थितियों के प्रभाव की अध्ययन की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक जो अप्रोच थी हमारी, मतलब एक तरह से कहें लोक प्रशासन के विकास का जो शुरू का लगभग 50 साल था प्रथम और द्वितीय चरण, वो नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे विकासशील देशों का उदय हुआ, अमेरिका वाला प्रशासन नियम कानून हमारे यहां नहीं चल पाए, तब फिर ध्यान गया इस तरफ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका का सिस्टम भारत में सफल नहीं है। तब ये अप्रोच आई, तब हमारा ध्यान गया कि इसका मतलब परिस्थितियां प्रशासन को प्रभावित करती हैं। वहां विकसित देश है, परिस्थितियां समस्याएं दूसरी हैं, ये विकासशील देश हैं, इनकी समस्याएं परिस्थितियां दूसरी हैं, इसलिए उनका सिस्टम यहां सफल नहीं है। तो तब फिर हमने देखा कि 47-48 के आसपास हमारे विषय में ये दृष्टिकोण आया, पारिस्थितिक दृष्टिकोण। और ये भी कैसे आया, तो हमने इसकी भी चर्चा की पीछे, कि जब इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर विषयक दृष्टिकोण आया, दूसरे विषयों से हमने संबंध जोड़े, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंध, इन सब से जब हमने संबंध जोड़े, तो उन विषयों में दिखा हमें ये दृष्टिकोण, भूगोल में, जीव विज्ञान में, वनस्पति में, वहां ये दृष्टिकोण हमें दिखा कि भूगोल वाले कह रहे हैं कि परिस्थितियां तो प्रभावित करती हैं जीव जंतुओं को, वनस्पति वाले कह रहे हैं परिस्थितियां प्रभावित करती हैं वनस्पति को। तो जब वहां ये अप्रोच हमें दिखी, अंतर विषयक दृष्टिकोण था, तो इसलिए हम उन दूसरे विषयों की स्टडी कर रहे थे और देख रहे थे कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं, हमारा विषय और वो दूसरे विषय कैसे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो वहां से ये हमें दृष्टिकोण मिला, और विकासशील देशों में अमेरिका का सिस्टम सफल नहीं हो रहा था, तो फिट भी हो गया वो दृष्टिकोण यहां कि अच्छा ये कारण है कि परिस्थितियां अलग हैं विकासशील देशों की, इसलिए विकसित देशों वाला प्रशासन और नियम कानून यहां सफल नहीं हो रहे। सो हम ले आए फटाफट अपने विषय में भी इकोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद से हमने जो भी स्टडी की, अब इसी इकोलॉजिकल अप्रोच के आधार पे की हमेशा। अब हम जब जिस भी चीज का अध्ययन करते हैं, तो जो एक परिवेश है हमारा, उसकी जरूर हम स्टडी करते हैं। पीछे हमने बात ही की विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, देखे वो भी इसी दृष्टिकोण पे आधारित था कि विकसित देशों की परिस्थिति अलग है, तो वहां प्रशासन का स्वरूप और भूमिका अलग, और विकासशील देशों की परिस्थिति अलग है, तो यहां के प्रशासन का स्वरूप और भूमिका अलग होती है। इस टॉपिक में भी बात वही है परिस्थिति के प्रभाव की। तब हमने विकसित और विकासशील को कंपेयर करके देखा कि कैसे लोक प्रशासन की भूमिका और स्वरूप बदलता है। अब हमें बात करना है कि जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, ये कैसे प्रशासन को प्रभावित करती हैं, चाहे अमेरिका हो और चाहे भारत। तो अब मुद्दा विकसित और विकासशील वाला नहीं है, अब मुद्दा है कि प्रशासन की कौन कौन सी प्रमुख परिस्थितियां हैं जो प्रशासन को प्रभावित करती हैं। तो आप देखिए परिस्थितियां प्रशासन की कौन कौन सी हैं, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, और भी हो सकती हैं धार्मिक, जलवायु, ये सब भी परिस्थितियां, सांवैधानिक या वैधानिक, तो ये सब भी परिस्थितियां हैं। मतलब एक समाज से जुड़े हुए विभिन्न पक्ष जिनमें प्रशासन काम कर रहा है। हम गरीब देश हैं, पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, प्रशासन को हम काम और जिम्मेदारियां तो सौंप रहे हैं, लेकिन उन कामों को पूरा करने के लिए जितना पैसा, जितना फंड चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, प्रशासन वैसे रिजल्ट
नहीं दे पाएगा जैसे हम अपेक्षा कर रहे हैं। अमेरिका विकसित देश है, वहां फंड की कोई कमी नहीं है, प्रशासन को जो भी काम सौंप रहे तुरंत पैसा दे दें। तो देखिए इस आर्थिक परिस्थिति ने प्रभावित किया कि नहीं किया प्रशासन के काम और उसके स्वरूप को। तो हम बात कर रहे थे पीछे भी कि हमें ज्यादा योग्य सक्षम और दक्ष प्रशासक चाहिए बजाय अमेरिका के, इसलिए क्योंकि हमारे यहां प्रशासकों के सामने जितनी समस्याएं चुनौतियां और जटिलताएं उतनी अमेरिका में नहीं होंगी। हमारे यहां प्रशासक को हम कहेंगे कि सबका विकास करना है, टॉयलेट भी बनाना है, पढ़ाना भी है, टीका भी लगाना है, लेकिन पैसा नहीं है, अब करो जाओ। तो वो होगा असली चैलेंज और योग्यता की असली परीक्षा कि फटी हुई जेब के साथ कहें कि हर आंख से आंसू पहुंचो, सबको खुश रखो, कि जिनके कल्याण और विकास के लिए जाओगे तैयार रहो, हेलमेट पहन के जाना, वही पत्थर मारेंगे और फिर भी उनका विकास करके ही लौटना है, चाहे मरो चाहे जियो। वो है असली चैलेंज और वो असली योग्यता की परीक्षा है प्रशासन की। अमेरिका में ये थोड़ी होगा कि जिनको आप वैक्सीन लगाने जाओगे वो उल्टा डंडा लेके दौड़ेंगे आपके पीछे। तो यही परिवेश जो हम पीछे भी कई बार अलग अलग संदर्भ में चर्चा किए हैं कि कैसे परिवेश प्रशासन को बड़ी मात्रा में प्रभावित करता है, तो परिवेश के बहुत सारे आयाम होते हैं। चार पांच जो प्रमुख आयाम हैं हम उनकी बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक संवैधानिक जो चार पांच प्रमुख आयाम है उनकी यहां चर्चा की जाती कि कैसे ये चीजें प्रशासन को प्रभावित करती हैं और प्रशासन से प्रभावित होती भी हैं। यही टॉपिक है प्रशासन एवं उसका परिवेश। तो देखिए एक विद्वान है गाई पीटर्स, इकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस टॉपिक पे काफी व्यापक स्टडी है इनकी, इकोलॉजिकल अप्रोच के एक बहुत बड़े समर्थक विद्वान है गाई पीटर्स। देखिए अब तक हमने जो बात की वही बात यहां गाई पीटर्स कह रहे हैं, चार लाइनें लिखी हुई हैं। किसी भी देश की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएं सरकार के कार्य विशेषकर लोक प्रशासन की सीमा रेखाओं का निर्धारण करती है, मतलब लोक प्रशासन के स्वरूप और उसकी भूमिका का निर्धारण करती हैं आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी सीमाएं निर्धारित करने में बराबर महत्व रखती है। मतलब चार की बात कर रही है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक, वही देखे शुरू में चार हमने लिखे कि ये प्रशासन के स्वरूप उसकी भूमिका को बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। हमने कहा ये और भी हो सकता है, भूगोल भी, जलवायु भी, धर्म भी, ये सब चीजें भी प्रभावित करते हैं। भाई कहीं ना कहीं ये धार्मिक परिस्थिति तो है कि आज बकरीद है तो आज ऑफिस की छुट्टी होगी, प्रभावित किया उसने कि नहीं किया कि भारत एक बहु धर्म वाला देश है तो क्रिसमस की भी छुट्टी होगी, ईद की भी छुट्टी होगी, होली और दिवाली की भी छुट्टी होगी। अगर नहीं हमारे यहां दूसरे धर्मों के लोग रह रहे होते तो क्यों ईद और क्रिसमस की हम छुट्टी करते। तो धार्मिक परिस्थिति है कि नहीं जिस प्रशासन को प्रभावित कर रही कि प्रशासन को दो या चार या दस एक्स्ट्रा छुट्टियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि हमारे देश में केवल एक धर्म के नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। दस छुट्टियां कम हो जाती साल भर में कि नहीं प्रशासन की, अगर एक ही धर्म के लोग होते तो कम से कम साल भर में तीन चार दो मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी हो जाती, उतनी ईद की, क्रिसमस सॉरी क्रिश्चियंस की गुड फ्राइडे है कि 25 दिसंबर है, कम से कम तीन चार उनकी छुट्टी हो जाती है, एक आध बुध पूर्णिमा वगैरह जो भी देखें तो मिला जुला के 15 भी छुट्टी कम हो जाएंगी अगर केवल हिंदू रहे हमारे देश में।
तो धार्मिक परिस्थिति का एक बड़ा आसान सा हम उदाहरण दे रहे हैं कि कितना बड़ा प्रभाव है प्रशासन के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एंगल हैं कि कैसे ये परिस्थितियां प्रभावित करती हैं प्रशासन को। देखिए, सबसे पहले राजनीति, क्योंकि सबसे घनिष्ठ संबंध तो प्रशासन का राजनीति से ही होता है। राजनीति और प्रशासन तो बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हम देख रहे हैं कि प्रशासन तो एक जमाने में राजनीति का ही अंग था, वो तो बाद में उससे अलग हुआ है। तो सबसे घनिष्ठ संबंध राजनीति और प्रशासन के ही हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि सबसे व्यापक प्रभाव प्रशासन के ऊपर जिसका पड़ता है वो है राजनीतिक माहौल कैसा है आपका, आपके देश का, आपके राज्य का राजनीतिक परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहला इसलिए वही है कि प्रशासन और राजनीति के आपसी संबंध। तो सबसे पहली बात जो सबसे नीचे लिखी है कि किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है प्रशासन के ऊपर। राजतंत्र है या लोकतंत्र, लोकतंत्र में संसदीय है या अध्यक्षीय, दो दलीय है या बहुदलीय, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, मतलब हमने अपने देश और राज्य में किस तरह की शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है, सबसे पहले तो इसी का प्रभाव पड़ता है प्रशासन के भूमिका और स्वरूप के ऊपर। भारत संसदीय शासन वाला देश है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका अलग होती है और प्रशासनिक कार्यपालिका अलग होती है। राजनीतिक कार्यपालिका मंत्री, प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब सचिव। संसदीय लोकतंत्र में दोहरी सदस्यता का सिद्धांत होता है, मंत्री वही लोग बनते हैं जो एमपी हो, राज्य की बात करें तो एमएलए हो, उनकी योग्यताएं संदिग्ध होती हैं तो उन्हें सहयोग के लिए प्रशासनिक कार्यपालिका की जरूरत पड़ती है। अमेरिका अध्यक्षीय शासन वाला देश है, वहां मंत्री और सचिव अलग अलग नहीं होते, वहां मंत्री ही सचिव भी होता है या सचिव ही मंत्री भी, दोनों अलग अलग नहीं होते। अमेरिका में तो मंत्रिमंडल होता ही नहीं है, वहां सचिव मंडल ही होता है राष्ट्रपति के। हम आम बोलचाल में बोलते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए या रक्षा मंत्री, वास्तव में विदेश सचिव और रक्षा सचिव कहलाते हैं। मंत्री है वो, सचिव भी वही है, कारण वहां दोहरी सदस्यता का सिद्धांत नहीं होता। वहां मंत्रियों का एमपी होना जरूरी नहीं होता, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसे लोगों को चुनता है जो योग्य हो, तो वो मंत्री का काम भी वही करते हैं और सचिव का भी वही करते हैं। तो हमारे यहां मंत्री तो बनाना है उनमें से जो जनता के बहुमत से चुनाव जीत के आए, एमपी बने, अब वो तो बहुमत से जीत के आए, योग्य है यानी जरूरी नहीं, तो फिर प्रशासनिक कार्यपालिका चाहिए जो योग्य होगी। तो हमारे यहां दोहरी कार्यपालिका हो जाती, अमेरिका में अलग अलग नहीं होते, उसी राजनीतिक व्यवस्था की वजह से हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि हमने अपने देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है, उसका बड़ा प्रभाव दिखता है हमें प्रशासन की भूमिका और स्वरूप के ऊपर। कई और पॉइंट लिखे हैं उसमें कि राजनीति के द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और प्रशासन के द्वारा उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाता है। ये रिलेशन है इनका, और इसीलिए प्रभाव भी पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। हम देखते हैं कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है, और एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के काम क्या होंगे और क्या नहीं, इसका निर्धारण राजनीति के द्वारा होता है।
राजनीतिक दल ने चुनाव में वादा किया कि हम 300 या 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे या और जो जो चीजें, उन्हें लोगों ने जिता दिया, पंजाब में सरकार बन गई या जो भी, अब बिजली फ्री देनी है कि पानी फ्री, कि किसानों के ऋण माफ करने हैं, अब ये सब काम कौन करेगा? करना तो प्रशासन को है, ये देखना तो प्रशासन को है कि 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, देंगे उस घाटे की भरपाई कहां से होगी, इनकम का सोर्स क्या होगा जहां से इस 200 यूनिट घाटे की भरपाई करें। सीए कानून हो, महिला आरक्षण हो, कृषि कानून हो, एक्स वाई जेड जो भी बना रही है सरकार, मतलब राजनेता, उन्हें लागू करना, उनके माध्यम से उद्देश्य प्राप्त करना है प्रशासन को, तो सबसे पहला तो प्रशासन के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा प्रभाव राजनीति का है कि प्रशासन क्या करेगा, कैसे करेगा, इसका निर्धारण तो राजनीति के द्वारा हो रहा है। प्रशासन तो वही करेगा जो राजनीति बना के देगी, करने के लिए कहेगी, अपनी मर्जी से क्या करना है प्रशासन? प्रशासन का काम क्रियान्वयन करना है और राजनीति का काम निर्माण करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रशासन होता है साधन और राजनीति होती है साथ। यहां उद्देश्य, यहां लक्ष्य तय हो जाते हैं और प्रशासन उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। और देखिए, राजनीति एवं प्रशासन के बीच कर्तव्यों को लेके परस्पर निर्भरता है। ज्यादातर बातें देखिए हम कर चुके हैं। पहला पॉइंट, एक तरह से विल्सन का राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, कि राजनीति के द्वारा निर्माण और प्रशासन के द्वारा उनका क्रियान्वयन, उद्देश्य प्राप्ति, तो राजनीति तो तय करेगी कि प्रशासन को क्या करना है, कैसे करना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि राजनीति एवं प्रशासन के बीच कर्तव्यों को लेकर परस्पर निर्भरता, मतलब द्वैत भाव को खारिज करना, कि राजनीति केवल निर्माण नहीं करेगी बल्कि उस निर्माण में प्रशासन की भी भूमिका होगी। प्रशासन जब क्रियान्वयन करेगा तो राजनीति उसको कंट्रोल करेगी और देखेगी कि सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं तो राजनीति के पास इतना अधिकार है कि प्रशासन को निलंबित कर दे, नौकरी से निकाल दे, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है कि नहीं। कहने का मतलब प्रशासन क्या करेगा, कैसे करेगा, राजनीति के ऊपर निर्भर है। प्रशासन जो करेगा, राजनीति उसका जवाब मांगेगी, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजनीति का प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। राजनीति जो करेगी उसमें प्रशासन की भूमिका होगी। राजनेता जब निर्माण करेंगे उन्हें प्रशासन से विचार करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, प्रशासन के परामर्श की जरूरत होगी। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। उसी बात को और अगले पॉइंट में कि लोक प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन और विकास का साधन होता है, ये भी हम पीछे बात करते हैं। राजनीति में जो भी सुधार करना है, ईवीएम है, वीवीपैट है, या नोटा है, या एक देश एक चुनाव, या जो भी और हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, कौन करेगा, कौन उनसे जुड़ी नीतियां बनाएगा, कौन उनका क्रियान्वयन करेगा, तो सब प्रशासन को करना है। हम दोनों के प्रभाव दिखा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब प्रशासन के विकास के लिए राजनीति का विकास जरूरी है और राजनीति के विकास के लिए प्रशासन का विकास जरूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। राजनीतिक परिवर्तन और सुधारों का जिम्मा काफी हद तक प्रशासन के ऊपर है और प्रशासन सुधारों का जिम्मा काफी हद तक राजनीति के ऊपर होता है। जब तक प्रशासन योग्य सक्षम नहीं होगा, राजनीति में सुधार नहीं हो पाएंगे। जब तक राजनेता नहीं चाहेंगे, हम प्रशासन को भी नहीं सुधार पाएंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 तक था,
15 रिपोर्टें सौंपी प्रशासन को सुधारने के लिए। अब अगर राजनीति चाहे उन रिपोर्टों को लागू करे तो प्रशासन में सुधार हो, और राजनीति चाहे ही नहीं उन रिपोर्टों को ठंडे बस्ते में डाल के भूल जाए, प्रशासनिक सुधार ना हो। तो दोनों एक दूसरे से, जो हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल अप्रोच की, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीति बिना प्रशासन के कुछ नहीं है, और उसी तरह से प्रशासन बिना राजनीति के कुछ नहीं है। प्रशासन में जो परिवर्तन सुधार है उसके लिए राजनीति की जरूरत है, राजनीति में जो परिवर्तन सुधार है उसके लिए प्रशासन के सहयोग की जरूरत है। राजनीति निर्माण करेगी बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं होगा, प्रशासन क्रियान्वयन करेगा बिना राजनीति के कंट्रोल के नहीं होगा। तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इसकी वजह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार है इसलिए प्रशासन में भ्रष्टाचार है, राजनीति में अपराधीकरण है इसलिए प्रशासन का भी अपराधीकरण हो गया है, और परिणाम राजनीति, अपराधी और प्रशासन, इन तीनों का हमारे देश में एक त्रिगुट बन गया है, गठजोड़ हो गया है। 1995 में बोहरा समिति ने बताया था मुंबई बम विस्फोटों की जांच के बाद कि भारत में राजनीति, अपराधी और प्रशासन तीनों का गठजोड़ हो गया है। शुरुआत राजनीति की अपराधियों के साठगांठ से हुई है, बाद में प्रशासन भी उस साठगांठ में शामिल हो जाता है और तीनों का एक गठजोड़ बन जाता है। मंत्री बेईमान होगा, सचिव कब तक ईमानदार रहेगा? प्रशासन में भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि राजनीति में भ्रष्टाचार। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। सबसे घनिष्ठ संबंध राजनीति और प्रशासन का ही होता है। आगे बढ़ें, अर्थव्यवस्था ये प्रभाव डालती है प्रशासन की भूमिका उसके स्वरूप के ऊपर। एक उदाहरण शुरू में ही मैंने आपको दिया कि गरीब देश हैं कि अमीर देश हैं आप, प्रशासन को कितने संसाधन आप दे रहे या नहीं दे रहे, समय पे दे रहे या नहीं दे रहे, सब कुछ तो प्रशासन की कार्यकुशलता उसी के ऊपर है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आप काम सौंप दो पैसा दो नहीं। आपने पिताजी से कहा आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब आप कहो कि हमें दिल्ली जाना है और 5 लाख रुपया चाहिए, वो कह नहीं दे रहा यार बाद में देंगे। तो समय पे आप कोचिंग की फीस नहीं दे पाओ, समय पे आप रूम रेंट नहीं दे पाओ, तो आप पढ़ाई करोगे कि सारा ध्यान रोज इसी में लगाओगे कि भैया? तो सोच के देखिए, एक आदमी जिसे 5 लाख चाहिए था तुरंत पिताजी ने निकाल के ये दिया कि लो जाओ 1 साल तक मुंह नहीं दिखाना अपना, और एक आदमी जिसे हर दूसरे दिन पिताजी को फोन करके कहना पड़ता है कि अभी आपने 10,000 नहीं भेजा कि 15 नहीं भेजा, मकान मालिक टोक रहा है कि कोचिंग वाला कह रहा है कि हम क्लास बंद कर देंगे, अब देख लीजिए किसकी कार्यकुशलता ज्यादा होगी। वो रोज दिन भर यही बैठ के सोचता है कि पैसा आएगा तो आधा ध्यान और आधी एनर्जी तो उसकी वहीं जा रही है, और नहीं आएगा पैसा तब तो। अगर आप किसी को काम सौंपोगे, जिम्मेदारी दोगे, तो उसे पैसा भी तो देना पड़ेगा। आप पिताजी काम सौंपे, दिन में 6 बार फोन लगा के पूछें, वीडियो कॉल करके कहें कि दिखाओ क्या कर रहे हो, कहां हो, नहीं हो, मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप हो काम में फिर जरूरत से ज्यादा। और एक होता है कि भाई आपको काम दिया, आप थोड़ा आप पे भरोसा करें, आपको थोड़ा आजादी, थोड़ा स्वायत्तता देंगे। अब दिन भर कोई किसी के काम में टोका टाकी करेगा, क्या उसका काम करने में मन लगेगा, उल्टा खींच के कहेगा कि जाओ नहीं करना है, जो करना है कर लो, क्या करोगे। एक आदमी होता है कि हाँ भरोसा है, स्वायत्तता है, अब उसके विवेक पर छोड़ दो, कुछ दिन का टाइम दो उसे। तो इन्हीं सबसे तो हमारी कार्यकुशलता बढ़ती या घटती है। तो आर्थिक
स्थिति क्या है किसी देश किसी राज्य की, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें ई गवर्नेंस लागू करनी है अपने राज्य में, हर गांव हर पंचायत को हमें कंप्यूटर से जोड़ना है। अब बिना पैसे के तो नहीं होगा ये काम। एक गुजरात महाराज जैसा राज्य जिसके पास खूब पैसा है, दूसरा बिहार झारखंड जैसा राज्य जिसके पास पैसा नहीं है, अब कहां ई गवर्नेंस ज्यादा होगा। प्रभाव अर्थव्यवस्था का ही तो पड़ा, ये कि नहीं पड़ा कि एक राज्य में ई गवर्नेंस की स्थिति ज्यादा बेहतर है दूसरे में वैसी नहीं है। और सबसे बड़ा कारण क्या है, यही तो कि एक राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और दूसरे की वैसी नहीं थी। तो आर्थिक स्थिति भी किसी देश या राज्य की क्या है, इसका भी बड़े पैमाने पर प्रशासन के स्वरूप और भूमिका के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। तो फिर कुछ बातें यहां लिखी हुई हैं। प्रशासन, ये पॉइंट फिर हमने पीछे पढ़ा कि प्रशासन आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन होता है। लोगों की आय बढ़ानी है, रोजगार उपलब्ध करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अर्थव्यवस्था में और कोई सुधार करने हैं, सब प्रशासन के माध्यम से ही होंगे। राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति सब प्रशासन के द्वारा ही बन रही हैं, लागू हो रही हैं, उन्हीं के माध्यम से तय हो रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा क्या होगी, कितनी तरक्की होगी, विकास होगा नहीं होगा। लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि आर्थिक विकास का प्रभाव प्रशासन के ऊपर पड़ता है। आप गरीब देश हैं, आप विकासशील देश हैं, प्रशासन को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ बंध जाएंगे उसके। तो प्रशासन के विकास के लिए अर्थव्यवस्था का विकास जरूरी है, और अर्थव्यवस्था का विकास बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं हो सकता है। तो अब इनका म्यूचुअल रिलेशन है उसी तरह से, पैसा होगा तो प्रशासन कुछ करेगा, और जब कुछ होगा तब तो पैसा मिलेगा भाई। लोगों की जेब में रोजगार होगा, लोगों की जेब में पैसा होगा, तब तो वो सरकार को टैक्स देंगे, तब तो सरकार उस टैक्स से प्रशासन को अच्छी सैलरी देगी, अच्छा प्रशिक्षण देगी और संसाधन देगी कि जाओ अब आप शिक्षा दो स्वास्थ्य दो या दूसरे काम करो। तो जुड़े हैं दोनों एक दूसरे से। आर्थिक विकास के स्तर के द्वारा प्रशासनिक विकास के स्तर की पहचान, अब सब वही कुछ पॉइंट कर दिए गए हैं। देश का आर्थिक विकास का स्तर कैसा है, विकसित है विकासशील है गरीब देश है, आपकी देश में जीडीपी का लेवल अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। अब श्रीलंका का उदाहरण सामने है, और देश देख लें आप, पाकिस्तान वगैरह देख लें, अब क्या स्थिति आर्थिक विकास की, अफगानिस्तान और अमेरिका और फिर चाइना और फिर रसिया। हमने कहा जैसा आपका आर्थिक विकास का स्तर होगा, स्वाभाविक सी बात है प्रशासनिक विकास का स्तर भी उसी के अनुरूप निर्धारित होगा। क्योंकि कुछ भी करना और चाहिए है तो सबसे बड़ी जरूरत जो उसकी है वो है पैसा। आज के समय में प्रशासनिक अधिकारियों को आप अच्छी सैलरी नहीं दे पा रहे, आज के समय में आप उन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, तो कैसे वो आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। उसके लिए आर्थिक विकास बढ़ाना पड़ेगा। आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए प्रशासन का विकसित होना जरूरी है। देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, राष्ट्रीयकरण है, उदारीकरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एलपीजी है, इन सब का प्रभाव, तो ये तो रोज ही देखिए हम बात कर रहे हैं कि एलपीजी वगैरह कैसे प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं। एलपीजी के पहले प्रशासन क्या था, तो एकाधिकार था, तो लाइसेंस राज था, तो करप्शन था, गोपनीयता थी। एलपीजी आया तो अब हमने प्रतिस्पर्धा ला दी, हमने अब हम कार्य कुशलता की बात करने लगे, अब हम पारदर्शिता की बात करने लगे, तो एलपीजी की तो कितने व्यापक प्रभाव पड़े। पहले केवल सरकार थी, अब गैर सरकारी भी आ गए, तो एलपीजी मतलब जो आर्थिक नीतियां किसी देश की, वो कितने बड़े पैमाने पर प्रशासन की भूमिका उसके स्वरूप को निर्धारित करती है।